उत्तर भारत के अधिकांश गांवों में खरीफ फसल के समय किसान सूखा और बाढ़ जैसे आपदाओं के प्रभावित होते रहते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सूखा पड़ने की वजह से किसान अपनी धान की रोपाई और सिंचाई पंप सेट के माध्यम से नदी नाले से करके बचाए, पर इन किसानों को पता ही नहीं था कि ऐसे आपदाओं में गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सहायता दिया जाता है। पहले आप लोगों के साथ क्या समस्या था? बारिश नहीं होता था, बहुत दिक्कत से, उसके बाद में इधर उधर से पानी उनी नाला खाला से उससे पंप से पानी पटवाया तो उसे क्या दिक्कत हो रहा था? दिक्कत पैसा कौड़ी नहीं था, इधर उधर से कर्जा उर्जा करके ले आन के पटवाए हम लोग। खतरा आगे बात ना करते रहने अनुदान राशि रसीद हम मैंने एक विषय में मालूम ना रहे, जानकार ना रहे। मैं अपने समुदाय के मदद के साथ यह परिवर्तन लाने में सक्षम थी, जिसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात कर किसानों की समस्या से अवगत कराई और ग्रामीणों से आवेदन लेकर डीजल अनुदान की मांग रखी। जी तो उसका तो हमने सूची बना करके प्रखंड को दे दिया है जी। उसके बाद एक दो दिन के बाद बाढ़ आ गया, बहुत कस के 12 तारीख के रात में बाढ़ आया, भीषण बाढ़ आया जो पूरा प्रखंड गया, पूरा चंपारण उसमें तबाह हुआ है जी। जिसके चलते बाधित हो गया सभी कर्मी लोग, बाढ़ के बचाव कार्य में लग गया है, उसके चलते बाधित हो गया। ऐसा है कि एक दो दिन में किसान के खाते में पैसा चला। तो आप लोग भी खत्म पैसा गया है? जी हम लोग का खाता में पैसा आ गया। क्या सबको के खत्म पैसा गया है? हाँ, अब किसी का 900, किसी का 300, किसी का 500 इसी तरह आया है, मैंने आया है तनु दौड़ धूप किया इसीलिए हुआ है, नहीं तो दिक्कत था। रवि कुमार बर्मा जी के मदद से रुपोलिया पंचायत के 90 लोगों को डीजल अनुदान राशि दिलाने में सफल हुई, जिससे पता चलता है कि सामूहिक प्रयास से ही तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।